नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं आपका दोस्त आरजे मारतंड। और दर्शकों, आज का दिन है बेहद ही खास, क्योंकि आज है बाल दिवस। और बाल दिवस के इस खास पर्व पर, इस खास अवसर पर हम आप पहुंचे हैं बाल शिशु गृह में, जहां पर छोटे मोटे नन्हे मुन्हे अनेक अनाथ बच्चे रहते हैं। इन्हें अनाथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर किसी गार्जियन का साया नहीं होता है, इनके कोई माँ बाप नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अनाथ का मतलब है जिनके ऊपर अनेक हाथ हो, अमिस अनेक नाथ मिस नाथ, जिनके ऊपर अनेक हाथ हो, ऐसे अनाथ बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं बाल शिशु गृह के डायरेक्टर से, यहाँ के अधिकारियों से, और यहाँ के छोटे मोटे नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे बच्चों से। तो आइए चलते हैं। मासूम बच्चों की आहट जैसे हो कोयल की चहचहाहट, इनका यूं मुस्कुराना जैसे रेगिस्तान में बारिश का हो जाना। वक्त ने खेला ऐसा खेल कि नहीं मिल पाया इनकी आंसुओं का कोई मेल। करता हूं मैं दुआ खुदा से कि खुशियां मिल जाए इन्हें बेमिसाल। चाहता हूं हटा दूं इनकी जिंदगी का पहाड़, आ जाए इनकी जिंदगी में कोई बहार। मैं विकास श्रीवास्तव बाल कल्याण अधिकारी हूँ एशियन सहयोगी संस्था में। और हमारी संस्था में 0 से 10 साल के बच्चे रहते हैं, अनाथ बेसहारा, जिनका घर खोज के हम उनके घर पहुँचाते हैं। और हमारे यहाँ एडॉप्शन एजेंसी भी है, जिनके जो निसंतान दंपति हैं वो ले सकते हैं, जिनके बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं। भारत सरकार की वेबसाइट है kara.nic.in, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोई भी जो है वो बच्चा ले सकता है। और उसके लिए सरकार की निर्धारित फीस है, टोटल जो है 46,000 रुपये लगते हैं, 6,000 पहले लगता है, और जब और जहाँ से भी आपको बच्चा मिलता है, क्योंकि सेंट्रलाइज है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर संस्था से बच्चा पाएंगे जी। जिस भी स्टेट से आपकी रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल होती है वहाँ से आपको मिलेगा, वो बाकी की फीस आप वहाँ देंगे। और जिला जज के माध्यम से उनको कोर्ट की उनकी डिग्री होती है, तब वो माँ बाप के रूप में दिए जाते हैं जी। और सर, बाल कल्याण अधिकारी होने के नाते आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपके अंतर्गत क्या क्या सेवाएं आती हैं यहाँ पे? जैसे बच्चों जो आते हैं उनका घर खोजना, घर खोज के उनकी काउंसलिंग करना है, हमारे काउंसलर हैं उनके माध्यम से। फिर पुलिस और प्रशासन की मदद से घर को वेरीफाई करना होता है कि हाँ वो जो एड्रेस बता रहा है वो उस जगह पे है या नहीं है। फिर हम लोग बाल कल्याण समिति के आदेश से उनके घर पे जाके पहुंचाते हैं या उनके परिवार को यहाँ बुला के उनको सपोर्ट कर देते हैं ताकि रहे। और जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, चूँकि वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं आमतौर पर, तो उनको हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं जो संस्था में हैं उनको हम लोग पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं। और फिर जब इस काबिल हो जाते हैं कि वो पढ़ सकते हैं तो हम उनको फिर स्कूल में एडमिशन कराते हैं। हमारे ऑफिस की गाड़ी उनको लेके जाती है और वहाँ रह के पढ़ते हैं। उनके भविष्य के लिए जो भी बन सकता है वो सारी चीज़ें की जाती हैं, उनको बाहर भी ले आते हैं। साल में एक बार कंबाइंड बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, जो उस समय संस्था में हमारे यहाँ होंगे, मार्च में एक बार किया जाता है उन लोग का जी। और सर, बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ कुछ मेडिकल टाइम भी रखा जाता है, कहीं बच्चे अगर बीमार पड़ जाए या इसमें कुछ हो जाए तो क्या स्पेशल डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ 2 स्टाफ नर्स हैं जो शिफ्ट वाइज काम करती हैं, आया लोग हैं, और डॉक्टर हैं जो ऑन कॉल आते हैं उससे उनका, और बाकी जो फर्स्ट एड है या नॉर्मल मेडिकल का है वो हमारी नर्सें देख लेती हैं। ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर या तो नर्सिंग होम या BRD मेडिकल कॉलेज में हम लोग उनको भर्ती कराते हैं। जैसे अभी विगत 3.5 महीने से हमारे यहाँ की 2 बच्चियाँ हैं जो पहले दिन से ही काफ़ी सीरियस थी जब आई थी, एक दिन की वो बच्ची थी, और मेडिकल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन भी हुआ है,
और अभी तक वो फिलहाल वहीं है। काफ़ी स्थिति अभी भी गंभीर बनी है, लेकिन हाँ हमारे दो स्टाफ वहीं पे 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं जी। और सर यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती है? हमारे यहाँ शिक्षा के अलावा बच्चों को म्यूज़िक है, योगा है, डांस है, ये सब कराया जाता है। और हर त्यौहार बच्चों के साथ मिलकर मनाया जाता है, होली, दिवाली, दशहरा, सब कुछ। और उसके बारे में भी उनको बताया जाता है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कि हाँ चलो ये त्यौहार वगैरह हो रहा है जी। और सर बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे के दिल तो वैसे ही बहुत कोमल होता है, उनको जैसा आप ढालेंगे वैसा वो ढलेंगे और उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का प्रयास तो यही है कि जो दुख वो अब तक सहे हैं वो यहाँ पे वो उससे दूर हो, अलग हो और एक समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। और बहुत से बच्चों में हम लोग देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया है आज वो। अभी अगर आप बच्चों से भी बात करेंगे तो वो चाहते हैं कि हम पुलिस में जाएं, कुछ बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने जी, और वो उस हिसाब से पढ़ाई भी कर रहे हैं। मतलब भले उम्र उनकी अभी कम है लेकिन जितना मेहनत करके वो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में फर्स्ट आ रहे हैं और उनको लगन हर चीज़ समझ सीखने की कोशिश है कि सर ये कैसे होता है कोई भी चीज़ है। तो हमको लगता है कि हमें एक बच्चे का भविष्य बनाने में हम लोग का प्रयास सार्थक होगा। इनसे सीखा सबक जिंदगी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटिया को है लम्हा खुशी का, बेटिया को है लम्हा खुशी का, इनसे इनकी अदाए नची दो, इनसे इनकी दुआएं न छीनो, इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी दुआएं न छीनो, कहने दी तो है जिंदगी का, कहने दी तो है जिंदगी का, मेरी बेटिया तो है लम्हा खुशी का, किया मन है तो रोशन रहा है, ये जमी है और आसमां है, किया मन है तो रोशन रहा है। सर आपका परिचय? मैं रवि साइमन और मैं अधीक्षक के पोस्ट पे काम करता हूँ। और यहाँ पर जो संस्था है एशियन सोशल संस्था इंडिया, जो 1996 से है यहाँ पर स्थापित है जी, और उसका उद्देश्य है कि जो ऐसे बच्चे जो चिल्ड्रन स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, स्लम चिल्ड्रन के बीच में काम करना। और 2013 में हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिला बच्चों के बीच में काम करने का, जिसका नाम बाल शिशुगृह है जी। इसमें वो बच्चे आते हैं जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जिसका कोई नहीं है, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको हम लोग बाल कर समिति के आदेश यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से वो रिस्टोर भी होते हैं और अडॉप्शन भी जाते हैं। और जो हमारी संस्था है, ये हमारा हेड ऑफिस है, इसके ब्रांचेज भारतवर्ष में काफ़ी जगह पे है, जैसे दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बनारस में है, लखनऊ में है, बिहार पटना में है, और जहाँ पर सिर्फ बच्चों के बीच में काम होते हैं जी, जो ऐसे बच्चों को रखा जाता है, उनके पालन पोषण, शिक्षा और मेडिकल, ये सब उनको दिया जाता है। और जो हमारे स्टाफ हैं सारे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और बच्चे बीच में काम करने वाले हैं, और वो मन लगा काम करते हैं ताकि ये बच्चे जो आते हैं उनको फील ना हो कि वो अनाथ हैं, या हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अनाथ, हमको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वो बच्चे यहाँ अच्छे से रहते हैं, आप देखे भी हैं। और जो हमारे स्टाफ हैं दिन से काम करते हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं मिश्री सदास हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं श्री विक्टर जॉन हैं,
जो संस्था को आगे बढ़ाते हैं उनके मार्गदर्शन पर हम सभी लोग उनके काम करते हैं जी। और सर यहाँ लगभग कितने उम्र के बच्चे रहते हैं? यहाँ पर 0 से लेकर 10 ईयर्स के बच्चे रहते हैं जी, और वो यहाँ पर आते हैं, उनको हम लोग रखा जाता है। अच्छा, और सर तो यहाँ पे अब बच्चों के लिए क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, उन्हें और भी तरह के कुछ संस्कार एक्टिविटीज कराई जाती हैं? जी हाँ, जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग योगा सिखाते हैं, और जैसे जैसे दिवस आते हैं उन पर उनको बताया जाता है, उनके साथ सेलिब्रेट किया जाता है, और जो भी संस्कारिक कार्यक्रम सब बताते हैं हम लोग हैं, उनको डांस टीचर भी हैं, योगा टीचर हैं, गेम टीचर हैं, और उन बच्चों को बाहर भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं ताकि उनको पता चल सके कि कैसे वो यहाँ पर जो समाज जुड़ी बात है वो सीख सकते हैं जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना नेक, इतना अच्छा काम खासकर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कर रहे हैं। सर हमारा भी जितना सहयोग है आपके साथ बना हुआ है। सर आप लोग ऐसे ही तन मन धन देकर अपना काम करते रहिए, बच्चों का सेवा करते रहिए और समाज को आगे बढ़ाइए और बच्चों को भी सर आगे बढ़ाइए। ये थे बाल शिशु गृह के अधीक्षक रविस्थ शाइमन जी, जिनसे हमने जाना कि ये संस्था कब खुली थी, इसमें बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार होता है। तो बने रहिए मेरे साथ रेडियो गोरखपुर 90.8 पे, सुनते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपनी धुन।